शिवावर मोए हो, वावर मोए हो, शुभ कर मनते कब हूँ न डरो, न डरो अरसो जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चरण अरोड़ा, दिल्ली फ्रॉम इंडिया। आज मैं आपको बड़ा दिलचस्प एक खेल दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ एक कबूतर मेरे भाई अभी आने वाले हैं, मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ, जिनको वो लोग बिल्लू के नाम से जानते हैं, बिल्लू हस्ताल गांव, और वैसे उनका नाम है अनिल त्यागी। तो मेरे दोस्त, उन्होंने 25 एक मादी ने अपनी निकाली है घर की, जो तकरीबन एक साल की हैं, और सारे घर के पट्टे हैं, उसमें एक बादामी और एक सुरखा, वो भी घर का पट्टा है, बाकी सारे सफ़ेद हैं उसके अंदर, अनारे पटियाले, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार कबूतरों का एक सेट है। तो वो आज छोड़ते छोड़ते कबूतर आज तकरीबन उनके घर से 17 किलोमीटर दूर पीतमपुरा मधुबन चौक से कबूतर छोड़ने का प्लानिंग है। तो अभी अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ, मैं वहीं चल रहा हूँ। तो देखिए सर, कहने का जो मतलब है कि ये एक शौक और एक सोच थी मेरी कभी, कि जैसे हूमर तैयार होते हैं बेल्जियम से लोग ला के, बहुत दूर दूर से छोड़े जाते हैं, इंडिया में भी बाहर तो शौक ये ऑलरेडी चल ही रहा है, तो मेरा दिल था कि इंडिया में क्यों ना शौक ऐसा किया जाए। तो ये पहला मेरे शौक को, जो मेरा सपना सच करने की कोशिश करी मेरे दोस्त अनिल त्यागी दिल्ली से, यानी बिल्लू भाई ने, और जो सबसे पहले शुरुआत करी है इस खेल की, वो है मेरे अली चौधरी। जी हाँ दोस्तों, चौधरी साहब सलाम वालेकुम, मलेरकोटला पंजाब। तो उन्होंने पंजाब मलेरकोटला कबूतर छोड़ते हुए तकरीबन वो अपने कबूतर को नाबे तक ले गए थे, जो उनके घर से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो कुछ एक कारणों की वजह से वो रुक गया, फिलहाल अभी फरवरी में दोबारा स्टार्ट करने का शौक है दिल कि कबूतर वो पटियाले से छोड़ने, प्लेग्राउंड से वहाँ से छोड़े जाएंगे। तो दोस्तों, विश्वास उस ईश्वर पे, दृढ़ निश्चय करके कोई भी जीत हासिल की जा सकती है। मेहनत बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ईश्वर पे विश्वास और मेहनत अगर आप करेंगे तो किसी भी चीज़ पे विजय पाना नामुमकिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं अभी अगले वीडियो में कि किस प्रकार कबूतर छोड़ते हैं। अनिल भाई आ रहे हैं, मैं उनकी वेट ही कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं उनकी। शुक्रिया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वीडियो ऑफ हो गई थी लंबी होने की वजह से। अच्छा है, चलो दो टुकड़ों में बन जाएगी। तो दोस्तों, वहाँ अली चौधरी ने बात साबित कर दिखाई, वो पंजाब था, ये दिल्ली है, ये आप ये भी बात समझ सकते हैं बखूबी। बट मेरे दोस्त वहाँ से आज हस्ताल गांव से चलते हुए, अब ये आज की डेट में यहाँ शिवा मार्केट पीतमपुरा मधुबन चौक पे ये कबूतर आ चुके हैं। तो आज ये यहाँ से कबूतर छोड़े जाएंगे। तकरीबन इनकी स्कूटर की रीडिंग के हिसाब से कितना हो चुका है? 17 किलोमीटर। ये 17 किलोमीटर कबूतर ले आए हैं, और भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लाल किले से इन कबूतरों को छोड़ेंगे। तो देखते हैं सर आज का क्या रिजल्ट रहता है। सब भाइयों की दुआ और आपका साथ और आपका प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कबूतर छोड़ते देखिए सर आप एक बार। ये तैयारी हो चुकी है। चलो चलो चल मेरे बच्चे, चल 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 चल। बहुत बढ़िया, एक बार लगाएंगे पकड़ेंगे। जी दोस्तों, अपनी डगर पकड़ चुके हैं कबूतर, अब हमें इजाजत दीजिए, घर जाके देखते हैं कि भगवान क्या चाहता है, उसके बाद अगली आपको रिपोर्ट दी जाएगी, थैंक यू। चल मेरा बच्चा। जी हाँ दोस्तों, घर से न्यूज आ चुकी है, बिल्लू भाई के कबूतर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंगली कबूतर 6:49 के अंदर कबूतर हस्ताल गांव पहुंच चुका है। और दोस्तों, बिल्लू भाई ने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने से सब कुछ प्राप्ति होती है। बहुत खुशी हुई और आप लोगों का आशीर्वाद, मतलब बहुत जल्दी बिल्लू भाई इनको लाल किले से छोड़ेंगे और मेरा और मेरे सभी भाइयों का सपना पूरा करेंगे। लव यू बिल्लू भाई, लव यू चौधरी साहब, थैंक यू।